बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज। मेरा नाम डॉक्टर सबीहा मिर्ज़ा है और मैं फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हूँ। इसके अलावा मेरी स्पेशलिटी है पैथोलॉजी। मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, बड़े अरसे से 20-25 साल हो गए मुझे इस शोबे में। तो मैं यहाँ का जो डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, उसको भी हेड करती हूँ, बड़े फ़ख्र से हेड करती हूँ। और पिछले मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे, मेरी एक बहुत अच्छी जर्नी रही है। फातिमा जिन्ना अब वो प्रीमियर डेंटल इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, जहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ के काबिल बन के आगे भी उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके बहुत नामवर डेंटिस्ट बन चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को इससे फेमिलराइज करूं तो आप समझें कि हमारी हिस्ट्री शुरू होती है 30 साल पहले। 30 साल पहले यूं था कि कराची में तो खैर कोई प्राइवेट डेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं था, बल्कि ये कराची में तो कोई डेंटल इंस्टीट्यूशन था ही नहीं। फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का एक विजन लेते हुए, चूँकि वो भी डेंटिस्ट थी, तो हमारे जो सीईओ हैं डॉक्टर बाकर असकरी, उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ पे एक कॉलेज इस्टेब्लिश होना चाहिए, डेंटल कॉलेज, और उसके ऊपर ये अमल में आया। तो यानी ये जर्नी आप समझें कि 30 साल पहले शुरू हुई और होते 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 हम यहाँ तक पहुँचे। और मेरा ख्याल है कि हर साल ये जैसे हीरे को तराशते हैं तो ये हम तराशते गए। इस अरसे में 30 साल में हमारे 24 बैचेस डेंटल ग्रेजुएट्स के निकल चुके हैं। अगर मैं उनको काउंट करूँ तो तकरीबन जो है वो 1470 ग्रेजुएट्स तकरीबन हमारे निकल चुके हैं। बहुत से जो हैं कुछ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से हैं वो बहुत और आला अहदे पे फाइज हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने लिए कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, अब देखिए ये कॉलेज आपको एक बेसिक डिग्री, मतलब ये कि 4 साल की BDS की डिग्री अफोर्ड करता है, जबकि आप एक डेंटल सर्जन बन के निकलते हो। फिर उसके बाद आपका स्कोप ये है कि आप आगे उसमें पढ़ाई कर सकते हो। और हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं उन्होंने FCPS किया है, MS किया है, MSc किया है, MCPS किया है, PhD किया है, और अब जो है कोई प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत आला प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पे वो लोग पढ़ा रहे हैं एंड दे आर वर्किंग एज डेंटल सर्जन्स। मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हूँ प्री क्लिनिकल कैंपस में। प्री क्लिनिकल कैंपस जो है वो बेसिक साइंसेस का इदारा है। आपका जो एक सफ़र है इस कॉलेज में वो 4 साल पे बाकी है, जिसमें 2 साल प्री क्लिनिकल कैंपस में है और 2 साल क्लिनिकल कैंपस में। अब देखिए प्री क्लिनिकल कैंपस में हम क्या करते हैं, हम आपको ऑफर करते हैं हर साल 4 सब्जेक्ट्स। पहला साल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओरल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और जब आप पास होकर सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो 4 नए सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री और डेंटल मटेरियल्स। जब ये 8 सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप थर्ड ईयर जाते हैं, दैट मीन्स आप इस काबिल हैं कि आप क्लिनिकल कैंपस में अब अपना रोल अदा करते हैं, पढ़ाई और क्लिनिक्स के साथ, यानी पेशेंट्स के साथ, डायरेक्ट डीलिंग आपकी पेशेंट्स के साथ होती है। स्टूडेंट को जब तक के एक माहौल या एक एनवायरनमेंट ना फराहम किया जाए, मेरे ख्याल में अट्रैक्शन
थोड़ी कम हो जाती है। तो हम हर वक्त ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी किस तरह से एजुकेशन में लेकर आए आपके लिए, और हमारा फोकस बिल्कुल खुसूसी एक फोकस डाला हुआ है कि आपने आपका गोल कैसे अचीव करना है। गोल आपका ये है कि आपने डेंटिस्ट बनना है, वो गोल अचीव करने के लिए हर चीज की जाती है। ऑफ कोर्स हम भी एक हद के दायरे में रहते हैं। क्या हद है हमारी? वो है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम उसके अफिलिएट हैं। वो यूनिवर्सिटी हमें प्रिस्क्राइब करिकुलम देती, उस करिकुलम के हिसाब से हम आपको पढ़ाते। हमने आपको ये सब्जेक्ट्स में ये कोर्स पढ़ाना होता है, आपने ये कोर्स पढ़ना होता है, इम्तिहान देना होता है, हर चीज उनके हिसाब से होती है। मगर हम डिवाइस करते हैं आपके लिए किस तरह से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। हम सोचते हैं अगर एक्टिविटी बेस्ड हो तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। तो यहाँ पे मौके हम फराहम करते हैं आपको। सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड करने के लिए एयर कंडीशन्ड हॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है। उसके अलावा आपको सिखाया जाता है प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, किस तरह से स्पीकिंग करते हैं, किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस में ये सब आपको सिखाते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा फील्ड ट्रिप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फील्ड ट्रिप्स में आप क्या करते हो, ये जो है आप पेशेंट एग्जामिनेशन करते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो, आप देखते हो, सीखते हो, समझते हो। ये सिखाया जाता है रिसर्च किस तरह से हैंडल करेंगे, ये सिखाया जाता है एटिकेट्स क्या होना चाहिए, क्या आपके आदाब होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हमने आपको कोर्स पढ़ा दिया, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। हम फातिमा जना मैम सोचते हैं हमारा बच्चा निकले, हमारा स्टूडेंट निकले तो वेल ग्रूम्ड हो, और वो पूरी तरह से फिर वो नाम रोशन करे, वो खुद भी उसकी एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो खुद भी उसके बाद बहुत जो है फख्र महसूस करता है कि मैं फातिमा जना का स्टूडेंट हूँ, मैं फातिमा जना का एलुमनाई हूँ। तो हम उसे सिखाते हैं एक तहसीन, एक हद, पेशेंट डीलिंग में क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, आप किस तरह से उससे डील करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर क्लिनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आप देखें जिस तरह से आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीतते हैं, उसी तरह से लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम सोचते हैं ये भी आपको सिखाया जाए। फिर रहा ये कि हमारे जो फैकल्टी है, सिखाना तो हमारे फैकल्टी में होता है, बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी। हर फैकल्टी मेंबर बहुत मेहनत करता है, सोचता है कि बिल्कुल फोकस्ड लर्निंग हो, गुड ग्रूमिंग हो, गुड आदाब हो, और आप जो है एंजॉय करें। आपके ये जो चार साल हो वो आप एक हमेशा याद रखें, और आपको बड़ा फख्र महसूस हो कि मैं फातिमा जना का ग्रेजुएट हूँ। ये हम बात करते हैं, और बहुत मौके आप पिकनिक्स हम अरेंज करते हैं, एनुअल पार्टीज होती हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, टैलेंट कॉन्टेस्ट होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, फोटोग्राफी का होता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होता है। अब क्योंकि हम समझते हैं सिर्फ पढ़ाई भी नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि वो भी नहीं मुमकिन है कि भाई सिर्फ वो ही कर ले, आपको वेल राउंडेड होना चाहिए। तो हमारा फोकस ये होता है आप बहुत बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे डेंटिस्ट बने, और आपकी ऐसी ग्रूमिंग हो कि आपको हर कॉलेज वेलकम करता है उसके हमारे बाद, और पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हो, और आप हर जो मुल्क में जाए आपके लिए बिल्कुल ओपन आर्म से होता है। मैं दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, हमारा फॉरेन अफिलिएशन है अमेरिकन कॉलेज से। हमारे बच्चे जो हैं वो 16 कॉलेजेस में, 16 कंट्रीज में जो है वो मौजूद है इस वक्त, बड़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है। तो मैं समझती हूँ हर वो चीज़ मौजूद है आपके लिए कि जिस वजह से आप कहोगे कि हाँ मुझे फातिमा जना में आना चाहिए। थैंक यू।